हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है, एक राज में एक राजा रहते थे। उनका 7 बेटे थे और एक ही बेटी थी। राजा 7 बेटा से ज्यादा अपने बेटी से प्यार करते थे। उनका अपने बेटी से इतना प्यार था कि राजा बिना देखे अपने बेटी को नहीं रहते थे, अपने नजर से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन गुरु भाई वाना, सच तो यह है कि चाहे बेटी से जितना भी प्यार कर लीजिए आप, बेटी तो प्राय घर जाने वाली रहती है, बेटी तो प्राय घर चली जाती है। और प्राय घर की बेटियां मेरे घर की बहू बनेगी, तो उसी बात राजा के एक बेटी थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई और राजा साहब उसके ब्याह के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। राजा साहब अपने गांव से ज्यादा दूरी नहीं, नजदीक में ब्याह कर दिए। और राजा साहब अपने बेटे से बोले, बेटा तुम्हारा बहन एक लौती है, तुम लोग 7 भाई हो, प्रतिदिन अपने बहन को एक एक करके देख लाना। गुरु भाई बहना, 7 भाई इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो प्रतिदिन घोड़े सवार होकर और अपने बहन के घर जाएंगे और बहन के घर बहन से मिलकर और उसके साथ भोजन करके और आ जाएंगे। गुरु भाई बहना, जब राजा का बेटी का ब्याह हुआ तो राजा साहब के 7 बेटे एक एक करके प्रतिदिन बहन के घर जाने लगे। प्रतिदिन बड़ा तो दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, 7वां वाला, फिर 8वां दिन बड़ा वाला के नंबर आ जाता था। प्रतिदिन बहन के साथ जाकर भोजन करके और उसके बाद घर आ जाता था। गुरु भाई बहना, राजा की जो बेटी थी उसका सास जो थी अपने बहू को 7 भाई को देखकर जलने लगी। उसे लगा कि अरे ये तो मेरे घर आकर प्रतिदिन भोजन करता है, मेरा तो कोई भाई नहीं था और इसका 7 भाई है, मैं तो अपना माता पिता के धन पे राज कर रही हूं, मैं तो एक लौती बेटी थी अपने माता पिता को और इसका तो 7 भाई है, प्रतिदिन आता है मुफ्त के रोटियां तोड़कर चला जाता है। अच्छा 7 भाई कब आएगा, इसका 7 भाई का प्राण एक ही दिन में ले लेंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते रक्षाबंधन का दिन आया। तो 7 भाई आपस में बात किया कि भैया रक्षाबंधन के दिन 7 भाई मिलकर और उसे डोली में बिठा के और हम लोग उसके कहार बेगार बन के और अपना घर तक लाएंगे। 7 भाई अपने बहन के घर बहन के लियावन के लिए चला गया और जब बहन के लियावन के लिए गया
तो उसके सास से विदाई मांगा कि माँ जी अपने बहन को रक्षाबंधन पे लेने आए हैं, कल के दिन रक्षाबंधन है, इसीलिए आज मेरा बहन को विदा कर दीजिए। उसकी सास बोली, बेटा ज्यादा तो दूरी नहीं, 2 घंटा वक्त दे दो बेटा, तुम्हारे लिए हम कुछ मिठाइयाँ बना देंगे। गुरु भाई बहना, सास ने क्या किया कि कुछ मिठाइयाँ बनाने के लिए कुछ जहर डाल दी, और जहर डालकर एक पैकेट में रख दी, और एक पैकेट में बिना जहर का, और अपने बहू को देकर कहती है कि बेटी लो ये मिठाइयाँ लेकर चले जाना, और अपने भाई को रक्षाबंधन में अपने हाथों से खिला देना। बेचारी राजकुमारी सोची कि चलिए अच्छा है माँ जी। गुरु भाई बहना, अब ये राजकुमारी जो थी सोचती है कि चलो मेरा सास ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए बड़े प्यार से घी में लड्डू बना के दिए हैं, इस लड्डू को यदि भाई के खिलाएंगे तो मेरा भाई बड़ा खुश हो जाएगा। और वो कोठी के कंधे पर रख दी, कोठी के कंधे पर रख दी गुरु भाई बहना, और डोली में बैठ गई। जब डोली में बैठ गई तो थोड़ी दूर जाने के बाद कहती है कि भैया एक चीज तो हम भूल गए। अरे क्या भूल गई? अरे आप नहीं जानते, मेरे सासू माँ ने घी के लड्डू बनाए थे और मैं उसी घी के लड्डू लाने को लिए भूल गए। भैया सिर्फ आपके लिए मेरे सासू माँ घी में लड्डू बनाए, हम आते हैं लेकर। भाई ने फिर से डोली लौटाया और डोली लौटाकर दरवाजे पे लगा दिया। राजकुमारी अंदर गई तो गुरुभाई बहना कोठी के कंधे पे रखा हुआ लड्डू के ये भूल गई, और आंगन में रखा हुआ लड्डू ये उठा ली। चलो वो तो सासू माँ खा लेंगे, यही लड्डू लेकर चल जाते हैं। 7 लड्डू उसमें से उठा ली और उठाकर आंचल में समेट के बांध ली और वहां से निकल दी। उसके पति भी साथ साथ जा रहे थे। सात भाई का लाडली बहन अब अपना मायका जा रही थी, भाई बेगार बनके ले जा रहे थे। धीरे धीरे वो ससुराल पहुंच गई। जब ससुराल पहुंच गई, गुरु भाई बहन मायका पहुंच गई, शाम का समय था, शाम में अपना मायका पहुंची। सवेरे होते ही स्नान ध्यान करके और उसके बाद पूजा पाठ करके गणपति के जाके सामने रखी और गणपति से आशीर्वाद ली, और आशीर्वाद लेकर सातों भाई को तिलक लगाई, कलाई में राखी बांधी दाहिने हाथ में, और आरती उतारी, भाई को मुख में मिठाई खिलाई। गुरु भाई बहना, यहाँ सास इंतजार कर रही थी कि कब आएगा खबर कि आपका बहू का सातों भाई मर गया एक ही दिन में, और मेरा बेटा वहां का भी उत्तराधिकारी बन जाएगा और यहाँ का भी। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। गुरु भाई बहना, बुढ़िया सोचते सोचते और ध्यान पड़ा यही कि अरे कल तो इतना प्यार से घी में लड्डू बनाए थे, बहू को तो जहर वाले लड्डू दे दिए हैं, और मेरे लिए तो लड्डू और अपना लिए रख लिए हैं। बुढ़िया भूल गई कि बहू ने तो मेरा लड्डू दिया हुआ ली ही नहीं थी,
भूल के कोठी के कंधे पर रख दी थी। बुढ़िया गई और भूल से गुरु भाई बहना कोठी के कंधे पे रखा हुआ लड्डू उठाकर खा ली। कोठी के कंधे पे रखा हुआ लड्डू उठाकर खा ली। कुछ ही पल में बुढ़िया लड़बड़ाने लगी, उसका मुंह से झाग गिरने लगा। उनके घर एक नौकरानी रहती थी, वो चिल्लाने लगी, लोगों को बताई कि भाई मेरे रानी साहब, बड़ी रानी तो पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे हैं, उनके मुंह से झाग गिर रहा है, लगता है बड़ी रानी ने जहर खा ली है। अगल बगल के लोग उसके बेटे और बहू को जाकर खबर दिए। बेटे और बहू भागते दौड़ते वहां से आए, उसके सातों भाई भी वापस आए। जब सातों भाई भी आए तो वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी के पास ले जाने के बाद वैद्य जी उसे कुछ जड़ी बूटी के दवाई दिए, जिससे बुढ़िया के पेट से जहर सब निकल गया, उल्टियां हुआ, उनका पेट सफा हो गया। अब जहर का थोड़ा सा भी अंश उनके पेट में नहीं रहा। एक दो दिन के बाद अपने बहू से कहती है बुढ़िया कि तुम्हारा रक्षाबंधन भला हो। अरे मैं तो तुम्हारे भाई को मारने को लिए लड्डू में जहर मिला के दिया था और तूने गलती से उस लड्डू को कोठी के कंधे पे छोड़ दिया और वही लड्डू मैंने खा लिया जिसमें जहर डला था। गुरु भाई बहना, उस समय बेटा भी उनके वही थे और सामने में सात भाई का लाडली बहन भी थी। बेटा कहता है माँ मेरा साले साहब को क्यों मारना चाहती थी। अरे बेटा मैं तो तेरा भलाई के लिए मारना चाहा। मेरा बेटा दोनों जगह के राजा बन जाएगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा, लेकिन भगवान मुझे ही सजा दे दिए। जिसको राम नहीं मारते हैं उसको कोई नहीं मारता है, ये सच है बेटा, जिसको राम नहीं मारता उसको कोई नहीं। और वही हुआ, मैंने तो तुम्हारे पत्नी के भाई के लिए जहर का लड्डू बनाया लेकिन वो तो नहीं मरा और मुझे ही जहर लग गया, मैं ही खा लिया गलती से। गुरु भाई बहना, सात भाई का लाडली बहन कहती है कि आग लगे माँ जी तेरा बेटा और बजड़ पड़े तेरा धन, हम चले अपना मायका अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, जिन भाई ने मुझे कंधे लगाकर कहार बन के डोली में बिठा के और अपना घर ले गया, उसी को मेरे यहाँ तो मेरा भाई को मरवाना चाहे। माँ जी आपने ऐसा मेरे साथ किया। सास जो थी अपने बहू का पाँव में लिपट गई और लिपट के कह दिए कि बेटी तुम्हारा भाई अमर रहेगा, तेरा भाई को एक बाल भी बाका नहीं होगा, तेरा भाई सात राज के सातों राजा बनेंगे और मैं वचन दे रही हूं कि रक्षाबंधन सभी बहनें मनाएंगे और सब बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधेंगे और भगवान से मन्नत करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी बहनें अपने भाई के रक्षा के लिए, लंबे आयु के लिए। बेटी मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाओ। गुरु भाई बना, सात भाई का लाडली बहन कहती है कि माँ जी यदि आज ऐसा हो जाता तब कोई भी बहन अपने भाई को कलाई में राखी नहीं बांधता। माँ जी दोबारा किसी के साथ ऐसा गलत करने को लिए नहीं सोचिएगा। गुरु भाई बहना, उस दिन से
अपने सास की दी हुई कोई चीज बेचारी राजकुमारी अपने भाई को नहीं खिलाती थी। उस दिन से सातों भाई अपना घर में रहने लगा, समय समय पर अपने बहन को ले जाता था और बहन भी जाती थी। बहन खुद अपने भाई को मना कर दी कि भैया मेरे घर तू रोज मत आना और मेरे साथ खाना मत खाना, बेटी तो बेटी होती है प्राय घर रहने वाली, भैया कितने दिन आओगे और मेरे साथ खाना खाओगे, अपने घर में रहना। गुरु भाई बहना उस दिन से चांद की तरह जाती और चली आती थी। भाई भी कभी कभी जाते थे और चले आते थे। तो गुरु भाई बहना रक्षाबंधन की त्योहार भाई बहन की है, बड़े प्यार की है रिश्ता होती है, बहुत बड़ा प्यार, भाई बहन से ज़्यादा प्यार कोई रिश्ता में नहीं है, टूट रिश्ता है, छुड़ाने से भी नहीं छूट सकता है, तोड़ने से भी नहीं टूट सकती है, गुरु भाई बहना मिटाने से भी नहीं मिट सकती है, भाई बहन का रिश्ता अटूट रिश्ता होती है, ये भाई बहन का प्यार बहुत बड़ा रिश्ता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव।